नमस्कार दर्शकों, कैसे आप लोग? होप सो आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे। और आज का वीडियो जो है ना, वो बेसिकली बाइक की सर्विस का, और बाइक का मैंने कुछ काम करवाए थे जैसे कि टायर वगैरह चेंज हो गए, वो करवाए थे, तो उस टॉपिक के बेसिक के ऊपर बेसिकली ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मतलब मैं अपने घर गया था कांगड़ा, मेरे को कुछ अपना पर्सनल काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक को लेके जाके मतलब अपना जो भी उसके काम थे जैसे सर्विस हो गया, टायर चेंज हो गया, वो क्यों ना करा लिए जाए। तो बेसिकली मैंने जो भी अपना सर्विस का इसमें मतलब होता है, तो बेसिकली इसमें जो भी मैंने जो अपनी सर्विस करानी थी उसका मतलब जो भी उसकी किट होती है, साथ में क्लच प्लेट हो गया, चेन सेट हो गया, तो मैंने सोलन KTM से परचेज़ कर लिया था और कांगड़ा में जाके बस मैंने काम ही कराया। तो इस मतलब जो भी मैंने अपना ये बाइक की सर्विस वगैरह कराई है, टायर चेंज कराया, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो में, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज अपन लोग चल रहे हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए। आप लोगों को पता कि मैं सामान ले आया था सोलन से बाइक का, एक चेन सेट चेंज करा रहा हूँ, एक इसकी क्लच प्लेटें हैं, थोड़ा हैंडल में प्रॉब्लम तो हैंडल का काम कराएंगे, और क्लच प्लेटें चेंज हो रही तो सर्विस भी साथ के साथ हो जाएगी। तो बेसिकली सारा सामान अपने पास पड़ा हुआ है और तकरीबन 9 बज चुके हैं, और ऐसा है कि जल्दी जाएंगे तो भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जल्दी आएगा वो जल्दी फ्री होगा, तो इसीलिए हम जाने हैं सवेरे 9 बजे ताकि टाइम से फ्री हो जाएं, क्योंकि अपनी बाइक में लगने वाला है टाइम, साथ में अपने को टायर भी चेंज कराने हैं। और कौन से टायर मैं डलवा रहा हूँ आप लोग आगे वीडियो में देख लेना, और कितने के पड़ रहे हैं, प्राइस वगैरह सारा रिवील कर दूंगा। और जो भी मेरी ये मतलब बाइक की प्रेपरेशन हो रही है, किसी राइड के लिए प्रेपरेशन कर रहा हूँ, और देखते हैं कौन सी राइड अपने आने वाली है, देखते हैं जल्दी से। तो चलते हैं सीधे KTM के शोरूम। फाइनली रीच KTM एजेंसी में आ चुके हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, और शायद पहला नंबर अपना ही लगने वाला है। और जो कल मैंने सामान परचेज किया था, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या परचेज करा था और क्या क्या रेट का मेरे को पड़ा था। तो दोस्तों, ये चेन सेट है, ये मैंने सोलन से परचेज करा, और ये अराउंड अपने को पड़ा है 2690 रुपये का। आप रेट देख सकते हो, बिल की कॉपी में मैं साथ में लगा दूंगा। ये मॉचल का ऑयल है, ये पड़ता है, ये है आपका 20W50, ये भी अराउंड पड़ा था अपने को, आप ये मान के चलो 1200 रुपये का, बट इसमें थोड़ा सा पड़ गया था अपने को डिस्काउंट। और साथ में ये सर्विस का किट है, जो सर्विस के ऑयल फिल्टर जो भी आपके चेंज होते हैं, अभी अपने को अराउंड में पड़ी थी आप देख लो 470 रुपये की। ये चेन सेट के साथ में रबर डलते हैं बैक साइड में, और ये अपने को पड़े हैं अराउंड आप ये मान के चलो 240 रुपये के। और ये है क्लच प्लेट जो कि अपने को चेंज करानी है, जो कि अभी बेसिकली नीड है, तो ये है 1146 रुपये की। तो अभी जल्दी से भाई वगैरह आते हैं यहाँ पे, अपनी बेसिकली यहीं पे सर्विस होगी अपनी KTM की, और जितनी देर में भाई वगैरह आ जाएंगे उतनी जल्दी अपना नंबर लग जाएगा। और अभी तक एजेंसी खुल रही है भाई, और हम पहुँच चुके हैं, 9:30 का टाइम ही हुआ है, और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है अपनी ब्लश को ठीक होने में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे। तो भैया, इन्होंने शूटिंग करने से कर दिया है मना कि आप शूटिंग वगैरह कर नहीं सकते हो, और बाकी ज़्यादा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि कैसे कैसे सर्विस कर रहे हैं, पर जो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको दिखा दूंगा। तो अभी अपनी बाइक लग चुकी है स्टैंड पे, तो भाई यहाँ पे अपनी ब्लश का चल रहा है काम, इसकी क्लच प्लेटें, सबसे पहले क्लच प्लेटें कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो फाइनली भाई अपना काम चल रहा है, और क्लच प्लेटें चेंज हो चुकी हैं, उसके जो भी चैम्बर होता है उसकी सील वगैरह लगा के उसको कर रहे हैं बंद, और साथ में अभी चेन सेट का काम चल रहा है, चेन सेट चेंज करके अपने को कौन सेट चेंज कराना है, और साथ में टंकी थोड़ी सी साफ़ करानी है, और टंकी का जो मीटर है उसका इंडिकेशन शो नहीं करता है पेट्रोल का, तो वो रिजॉल्व कराना है। तो अभी देखते हैं और कितना टाइम लगने वाला है, और भाई ज़्यादा टाइम।
दोस्तों अभी हम KTM शोरूम कांगड़ा पे और ये पालमपुर रोड पे आपको मिलेगा। मोटोर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है और आपको यहाँ पे हर तरह की बाइक जो भी KTM से रिलेटेड है, 200 है, 250 है, 390 है, ड्यूक है, RC, आपको सब तरह की मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पे एक ही बंदा मिलेगा, अपने आदि भाई। तो आदि भाई, भाई हेलो कर देना। हेलो गाइस, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी आपके पास क्या क्या स्टॉक है अभी, क्या क्या अभी तो बस एडवेंचर छोड़ के सब मिलेगा। तो एडवेंचर कब तक आएगी? और एडवेंचर अभी है, मतलब बुकिंग पे मंगवाता हूँ यार, ऐसे ऑन बुकिंग पे मंगवाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो डिमांड पे ही चलता है, तो डिमांड पे ठीक लगता है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा हाइट का थोड़ा इशू रह रहा है उसमें ना, थोड़ा हाइट अच्छा चाहिए उस गाड़ी के लिए ना, तो थोड़ा सा वो अभी ठीक है, मतलब चलता है पर वैसे नहीं चलता जैसे मेरा KTM ड्यूक सीरीज चलता है, RC सीरीज वैसे नहीं चलता है। तो भाई KTM मतलब कांगड़ा वालों, KTM जो अपनी अपनी एडवेंचर आई है उसके लिए भाई को प्यार दो और मतलब बाइक के खरीदो यार यहाँ पे आके आप लोग, ठीक है? एडवेंचर को थोड़ा मतलब यहाँ पे करो, क्योंकि आपको पता हम लोग पहाड़ से और अपने को पहाड़ी मतलब एडवेंचर ही पसंद है, ठीक है? और बाकी भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको मतलब KTM से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी है भाई से बात कर लेना आप, ठीक है भाई? तो आप उनको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप बता दें, मैं बता देता हूँ भाई का, मतलब यहाँ पे डाल दूंगा आपको स्क्रीन में, ठीक है? तो आप देख लेना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे। फाइनली भाई 2 घंटे के बाद वापस आए हैं और अपना जो इसका हैंडल का काम था, कौन सेट का वो हो रहा है बेसिकली, तो 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। और भाई गर्मी इतनी हो चुकी है, बाहर जाके भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आए हैं, दोस्त आया था मेरे कुछ से मिल के आए हैं और देखते हैं और कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है भाई। अब तो एग्जॉस्ट होने लग पड़े हैं, भूख लगी थी समोसा वगैरह खा लिया, तो भी देखते हैं और कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो फाइनली भाई अपना जो बाइक का काम था वो हो चुका है और ट्राई मैं ले चुका हूँ, बाइक फाइन एंड फिट है और जल्दी से पैसे देके चलते हैं घर भाई। अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और भूख लगी है, तो देखते हैं बाहर ही कुछ खा के चले जाएंगे। और मॉर्निंग से आए थे, तकरीबन 2 बज गए हैं, तो देख लो भाई कितना टाइम लग गया सर्विस का। तो दोस्तों फाइनली अब टाइम है बाइक के टायर चेंज कराने का, आप पूरा देख सकते हो कि मतलब जरा भी इन पे ना ग्रिप नहीं बचा हुआ है, तो ग्रिप को चेंज करने के लिए हम आए हैं अभी अपोलो की एजेंसी, ये मेरे घर के साथ में पड़ती है, ये नाम देख सकते हो आप ऊपर आ रहा है। और अराउंड मैंने यहाँ पे देखे हैं अपोलो के टायर हैं, अल्फा सीरीज करके आते हैं, तो भाई वो लेने लगे हैं पहले, तो वो देख लेते हैं, मैं आपको टायर दिखा देता हूँ और कितने का पड़ेगा, मैं रेट आपको डिस्क्लोज़ कर दूंगा। और ये स्पेशल रेट है भाई अपने लिए, क्योंकि टायर अभी हो चुके हैं काफ़ी महंगे, तो अभी हमने भैया जी से बात कर ली थी, तो आपको पहले टायर दिखाता हूँ, पहले शॉप पर चलते हैं। तो दोस्तों ये वाला टायर मैंने पसंद करा है, अल्फा सीरीज़ का, ये 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है, अपोलो अल्फा H1 करके आता है और दोनों का पेयर है टायर का, टायर काफ़ी अच्छे। और हमने भैया से काफ़ी दिन पहले पता करा था, तो अभी रिसेंटली मेरे को टायर डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टायर जो बाइक के थे वो पूरा ग्रिप ख़त्म हो चुका है और बाइक स्केट कर रही थी, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने सोचा क्यों ना भाई टायर नए डला लिए जाए। और इस बार मैं जा रहा हूँ अपोलो में, लास्ट टाइम मैंने MRF के जो ओरिजिनल इसके टायर रहते थे वो डलाए थे, बट उनका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, तो मैंने इस बार सोचा कि कुछ चेंज करते हैं, तो इस बार डला रहे हैं हम अपोलो के टायर। तो भैया इनका परफॉर्मेंस देखते हैं, बाकी भैया से मिलते हैं जी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं जो भैया जिनसे हम टायर ले रहे हैं, तो भैया आप बताइए कि इस टायर की गारंटी वारंटी कितनी रहेगी? इस टायर की गारंटी 2 ईयर की है कंपनी की तरफ से। हाँ जी, तो उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट यदि कोई आता है, हाँ जी, टोटली कवर है एनीवन किसी भी टाइप का, लेकिन अदरवाइज यदि कोई चीज़ लग के हीट हो जाता है टायर या ब्लास्ट हो जाता है, हाँ जी, उस चीज़ की गारंटी नहीं होती है, बाकी हर टायर चीज़ की गारंटी है। ठीक है भैया, और भैया प्राइस क्या क्या रहेंगे इसके? प्राइस इसका आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में और हमारे जो प्राइस है वो सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक छोटा सा मार्जिन होता है फिटिंग वगैरह का, चलो आप आए हैं तो आपके लिए टायर हमने फिट करने हैं, तो 50-1 रुपये का मार्जिन रखते हैं टायर के ऊपर, बाकी नेक टू नेक जो है सेल कर देते हैं, जो भी कंपनी की प्राइस लिस्ट है
उसके ऊपर हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो भैया अगर कोई मेरी वीडियो देख के रेफरेंस से आता है आपके पास टायर लेने, तो मतलब उसके लिए डिस्काउंट है? डिस्काउंट हाँ है। तो भैया आप मतलब यहाँ पे आइए और हमारा नाम लीजिए चैनल का, और आपको भैया कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे। बाकी मस्ट रिकमेंडेड दुकान है, मतलब शॉप है इनकी पूरा, आपको यहाँ पे गाड़ियों से लेके जो भी टायर है, मतलब एक्चुअल में ये अपोलो की या आई थिंक एक दो एजेंसी इनके पास और है, तो आप पूरा मतलब आप देख सकते हैं पूरे टायर ही टायर मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप आके किसी भी गाड़ी का टायर वगैरह चेक करते हो, और बाकी इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको कॉल वगैरह करके भी पूछ सकते हो। और ये जो दुकान है ये आपकी पुराना मटोर है, जो हमारा मटोर चौक का कांगड़ा में पुराना मटोर एक जगह है, अराउंड 1 किलोमीटर वहाँ पे इनकी शॉप है, तो आप आके कोई भी टायर यहाँ चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप मिलते हैं आपको सीधा शॉप पर जहाँ पर इन टायर को कराएंगे फिटेड, तो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली ये जो अपना लास्ट काम बचा था बाइक का टायर का फिटिंग कराने का, वो अभी गग्गल में आ चुके हैं हम, और अपने गांव का भाई था वीरेंद्र नाम है, तो वीरेंद्र भाई सबको हेलो कर दे कैमरे में। तो भाई कर रहा है अपने टायर, और अभी देखते हैं और कितना कितना टाइम लग जाता है। बाकी हमने यहीं पे खा लिया है बर्गर, मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों के बाद भरा हुआ बर्गर खाया, और देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। और बाकी बाइक कैसी लग रही है मेरे टायर डलाने के बाद, आपसे मिल के मैं बता दूँ। फाइनली नया वाला टायर होने लग गया फिटेड, पुराना निकाल के बाहर रख दिया और नया वाला खरीद लिया। तो भैया ये भाई अपने गांव से, और ये ऐसा बंदा है कि चलती चलती गाड़ी का टायर पंचर लगा देता है, यकीन मानोगे आप, गग्गल चौक में इसका नाम ले दो अपने हिमाचल में, और ये मतलब ये फेमस है, बोलते हैं सारे लोग इसको कि चलते हुए ट्रक का इसने कोई टायर बदल दिया था। तो भाई यहाँ पे मतलब ये इसको तो हाथ कटवा देने हमने, मतलब इतने पंचर लगा चुका है। तो भाई बताइए कैसे लगाया था उस दिन वो पंचर, भाई जरा देखिए ऊपर पंचर कैसे लगाया था चलती हुई गाड़ी का। ट्यूबलेस था। चलती हुई गाड़ी का भाई, चलती हुई गाड़ी का, ऐसा ऐसा टैलेंट है हमारे कांगड़ा में। भाई का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका चलती हुई गाड़ी का टायर पंचर हुआ भाई को फोन करो, फोन पे भी पंचर लगा देता है। तो भाई अपना दूसरा वाला टायर भी हमने कर दिया अनबॉक्स, और इसको जल्दी से करेंगे, पर पहले करेंगे इस वाले टायर को। तो दोस्तों शाम को हमने आगे वाला टायर भी डलवा दिया था, ये देखो एकदम नया टायर है, और वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे लग पड़ी थी बारिश, और मेरे पास DSLR को ढकने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो हम जल्दी से निकल आए थे वहाँ से। तो अगले दिन मैंने ये वीडियो ख़त्म करी है, तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और टायर जो मैंने डलवाए हैं ये वैसे तो ये नाइलॉन के टायर हैं, और मेरे को अपोलो के पड़े थे, अराउंड रेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और आप भी अगर कांगड़ा से हैं तो ये वाले टायर आपके लिए, मेरे को लगता है कि जो रेडियल टायर है ये बेस्ट है इस बाइक के लिए। और देखते हैं कितना टाइम चलते हैं, और मेरी ये थर्ड मतलब सेकंड टाइम है जब मैं टायर चेंज करवाएँ बाइक के, क्योंकि अभी आपको पता बरसाते हैं और टायर वगैरह स्किट होने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो अब मैंने टायर वगैरह चेंज करा लिए, बाइक का काम करवा दिया, पीछे जो मेरा सैडल स्टे है उसको कलर करा दिया, सीट को कुशन डलवा दिए हैं, और बाइक पे अच्छा खासा मैंने पैसा लगा दिया है। अब देखते हैं भाई कितने दिन ये चलता है, और इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों, तब तक के लिए बाय। गप्पा मार।